परमिशन है प्रशासन ने बैरिकेड लगाए, हम इनका विरोध करते हैं और मेमोरेंडम जब देंगे ज्ञापन तो हमारा एक एक साथी ज्ञापन देने में शामिल होगा। हम पांच आदमी या चार आदमी हम मेमोरेंडम देने नहीं जाएंगे, या तो डिप्टी कमिश्नर या एडीसी यहाँ आए और मेमोरेंडम लेके जाए, क्योंकि हमारे साथियों को जो रोका गया ये गलत है। इसलिए हम अपने सभी साथियों के साथ जब तक ज्ञापन जो है यहाँ मिलेंगे हम मिल जाएंगे। हटा दो भाई, इसने भगवान आज के माध्यम से और ये एक महामहिम राष्ट्रपति जी के इसमें एक मुद्दा तो हमारा है जो बेरोजगारी की भयंकर जो खोज खड़ी होगी यहाँ देश में उसका समाधान, दूसरा हमारा मुद्दा है जो किसान विरोधी सरकार अर्थव्यवस्था जो सेटल हो रही है जी, जिस ढंग से जीडीपी डाउन गया है या एनपीए बढ़ रहा है पूरे देश में उसके मतलब उसमें विरोध में हमारा दूसरा पॉइंट ये है। तीसरा पॉइंट हमारा कृषि और किसान के ऊपर जो संकट है, जिस ढंग से समर्थन मूल्य बढ़ाए जा रहे हैं लेकिन किसान की लूट चल रही है मंडियों के अंदर, उसके फसलों को लिया नहीं जा रहा है जी। और चौथा हमारा है जी जो आदरणीय श्रीमती सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी की जो एसपीजी सिक्योरिटी जो विड्रॉ की है वो बहाल करी जाए। चार मुद्दों के ये महामहिम को आप पहुंचा देना, आपके विश्वास हो पूरे देश भर में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ इस तरह के रोष प्रदर्शन करके ज्ञापन सौंपे गए, तो हम जिला जज्जर की ओर से आपको सभी विधायक और सभी साथी मिलकर सौंप रहे हैं, तो आप इसको काइंडली पहुंचा जरूर दें, क्योंकि आज हमने आपको मैसेज दिया था उसके बावजूद हमें इस बात का दुख है कि हम लोग शांतिपूर्ण ढंग से आ रहे थे और ये बैरिकेड्स लगाए गए, इस तरह से विपक्ष की आवाज को दबाया नहीं जा सकता। ठीक है, ये लो डॉक्टर साहब आप आपका नाम ठीक है और उम्मीद करेंगे कि आप इसको सही समय पर बिल्कुल ठीक है। सभ्य देश के सभ्य नागरिक, थैंक यू सभ्य देश के सभ्य नागरिक, ठीक है जी, ऊपर आप जरूर पहुंचा बिल्कुल अच्छे नहीं, मैं बचपन से जानता हूँ डॉक्टर साहब, ठीक है भाई मार दे अच्छी बात है जानना आ जाओ ये भी बता दो हेलो